बकरीद पर कुर्बानी के नाम पर जानवरों को दी जाने वाली बलि के विरोध में खुद मुस्लिम समाज खड़ा हो गया है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सदस्यों ने बकरीद के मौकों पर जानवरों की कुर्बानी का कड़ा विरोध किया है। कई जाने माने मुस्लिम संगठनों व नेताओं ने इस्लाम के अनुयायियों से आग्रह किया है कि सड़कों पर जानवरों की कुर्बानी न दें, सड़कों और अपने इलाके को स्वच्छ बनाए रखें। लखनऊ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच यूपी के सह संयोजक खुर्शीद आगा ने कहा, बकरीद में कुर्बानी को लेकर समाज में अंधविश्वास फैला है। मुसलमान अपने आप को ईमान वाला तो कहता है, लेकिन वास्तव में अल्लाह की राह पर चलने से भ्रमित हो गया है। उन्होंने कुर्बानी का विरोध करते हुए सवाल उठाया कि कुर्बानी जायज नहीं है, तो फिर जानवर की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। उन्होंने अयोध्या के विवादित ढांचे का जिक्र करते हुए कहा कि कुरान के अनुसार जहां फसाद हो वहां नमाज अदा नहीं की जा सकती, तो फिर विवादित ढांचे की जगह मस्जिद कैसे बनाई जा सकती है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के मंच संयोजक ठाकुर राजा रईस ने कहा कि जब हजरत इब्राहिम द्वारा किसी जानवर की कुर्बानी नहीं दी गई, तो फिर मुस्लिम समाज में बकरीद के मौकों पर जानवरों की कुर्बानी क्यों दी जा रही है। बकरीद में जानवरों की कुर्बानी के नाम पर जानवरों का कत्ल हो रहा है, यह कुर्बानी नहीं है। उन्होंने कहा कि रसूल ने फरमाया है, पेड़ पौधे पशु पक्षी अल्लाह की रहमत हैं, उन पर तुम रहम करो, अल्लाह की तुम पर रहमत बरसेगी। वहीं इसके साथ ही संयोजक अवध प्रांत सैयद हसन कैसर ने गाय की कुर्बानी को हराम बताते हुए कहा, तीन तलाक की तरह ही बकरीद के मौके पर जानवरों की कुर्बानी एक कुरूती है। हम सब 21वीं सदी में प्रवेश करने जा रहे हैं, इसलिए समाज को कुरूतियों से निकालना होगा।